आप देख रहे हैं नंबर वन डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। स्पॉन्सर्ड बाय जी इंटीरियर पटना। 17 जून को हुए दरभंगा स्टेशन बम ब्लास्ट में एनआईए की टीम को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एनआईए की टीम ने हैदराबाद से दो सगे भाइयों को मोहम्मद इमरान खान उर्फ इमरान मलिक और नासिर खान उर्फ नासिर मलिक को गिरफ्तार किया है। तेलंगाना पुलिस की इंटेलिजेंसी टीम की तरफ से मिले इनपुट के आधार पर इन दोनों भाइयों को गिरफ्तार किया गया है। 17 जून को चलती ट्रेन में ब्लास्ट करने की तैयारी में जुटे हुए थे दोनों भाई। दरभंगा स्टेशन में कपड़े के बंडल में हुए धमाके के बाद इंटेलिजेंस के टीम ने इन पर लगातार नजर बनाए हुए थे, जिसके बाद इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। एनआईए के अनुसार दोनों भाई आतंकी संगठन लश्करे तैयबे से जुड़े हुए थे और पाकिस्तान में बैठे आकाओं के इशारों पर ब्लास्ट करने की प्लानिंग की थी। इनका मकसद पैसेंजर से भरी रैनिक सिकंदराबाद दरभंगा स्पेशल ट्रेन में ब्लास्ट करना था, जिससे भारी जान माल का नुकसान होता। कपड़े के बंडल में जो 100 ml की शीशी मिली थी, उसके अंदर लिक्विड फॉर्म में IED थी। पकड़ा गया नासिर मलिक इसका एक्सपर्ट था। तेलंगाना पुलिस की इंटेलिजेंस सेल के पास इनपुट थी कि इमरान मलिक और नासिर मलिक आतंकी संगठन लश्करे तैयबे से जुड़े हुए हैं। ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल सर्विलेंस के जरिए इनके मूवमेंट के बारे में पता किया जा रहा था। कई दिनों से कड़ी नजर रखी जा रही थी, फिर फुल ग्रुप प्लान के तहत इन दोनों को हैदराबाद से पकड़ लिया गया। एनआईए का दावा है कि ये दोनों लश्कर की सीमा पार बनाई गई एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। नासिर मलिक 2012 में पाकिस्तान गया था, वहीं से इसने केमिकल IED बनाने की ट्रेनिंग ली थी। दोनों भाई पेशे से बड़े कपड़ों के व्यापारी हैं और पिछले कई साल से कपड़ों का व्यापार कर रहे हैं, और जिस बंडल में धमाका हुआ वो भी नए लेडीज शूट कपड़े ही थे। दरभंगा ब्लास्ट के बाद अब रेल पुलिस और RPF की टीम ने उस बंडल को खंगाला था जिसके अंदर ब्लास्ट हुआ था, तो उसमें लेडीज सूट ही रखे हुए थे। इस मामले में अब उत्तर प्रदेश के ही शामिल कुछ नामी लेडीज सूट कारोबारी के नाम सामने आए हैं, जिनके बारे में अब NIA की टीम पड़ताल कर रही है। इस बारे में दोनों लोगों से पूछताछ चल रही है। दोनों भाइयों को फिलहाल बिहार लाया गया है। वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और हैदराबाद में रहकर व्यापार करते हैं। सूत्रों की मानो तो उत्तर प्रदेश के कैरान से जिस सलीम को पकड़ा गया था, उसके कॉन्टेक्ट पाकिस्तान के इकबाल काना से थे। वो लगातार उसके संपर्क में था। दरभंगा में हुए ब्लास्ट की जिम्मेवारी ISI से सलीम को मिली थी। फिर इनसे आगे के काम के लिए हैदराबाद में रहने वाले दोनों भाई मोहम्मद इमरान मलिक और नासिर मलिक को सौंपा गया। जांच और पूछताछ के दौरान यह सामने आई कि पूर्व में दोनों भाई आतंकी संगठन सिमी के लिए काम कर चुके हैं। इसके लिए एक बड़ी रकम की फंडिंग की गई है। NIA की टीम और भी गहनता से इस मामले की तहकीकात कर रही है। सूत्रों का कहना है कि कुछ और लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। आज के ब्रेकिंग में इतना ही। देखते रहें TD न्यूज। नमस्कार, मैं हूं परितोष कुमार। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश दुनिया की कोई खबर मिस न करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपके हक से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कंट्रोवर्सी की कोई न्यूज हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा TD न्यूज पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए TD न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर।